आजकल जो स्मार्टफोन की कैमराज है वो काफी एडवांस हो चुकी है, इन्हें यूज करके आप प्रोफेशनल लेवल की वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी कर सकते हो। बट स्मार्टफोन का जो डिफॉल्ट टिच्चू सा कैमरा ऐप है भाई, वो आपको इतनी फंक्शनलिटी और फीचर्स देता ही नहीं है। तो मैं हूं ना गाइस, आज मैं आपको 5 ऐसे कैमरा ऐप्स बताऊंगा जिन्हें यूज करके आप आपकी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो। वीडियो के एंड में एक बोनस ऐप है, इट्स मिस सिद्धांत, यू आर वॉचिंग द क्रिस यूट्यूब चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अगर आप लोग प्रोफेशनल वीडियोग्राफी करना चाहते हो तो पहला एप्लीकेशन प्रोशॉट आपकी काफी ज्यादा काम आने वाला है। इस एप्लीकेशन में कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो मैं एक एक फीचर आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो शांति बनाए रखना, शांति के साथ बैठ के वाले वीडियो देखना, बट एक एक फीचर काफी यूजफुल है। इस एप्लीकेशन में जो इंटरफेस है वो काफी बढ़िया है। इस ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आपको एक कैमरा डायल देखने को मिल जाता है, उस डायल में आपको काफी सारे मोड देखने को मिल जाते हैं। बात करें नीचे के डायल के बारे में, सबसे पहला जो मोड है वो है रोटेशन मोड, जो काफी घटिया है, जो आपके कुछ भी काम नहीं आएगा। सेकेंड जो मोड है वो है रिकॉर्ड मोड। इस फीचर को यूज करके आप आपके वीडियो को अप टू 4K तक रिकॉर्ड कर सकते हो 60 FPS में। अगर आपके फोन में 4K नहीं सपोर्ट करेगा तो भी आप लोग इसे यूज करके 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 60 FPS में। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है स्लो मोशन मोड, स्लो मो मोड। आप लोग आपकी जो है ना वीडियो के स्लो मो को रिकॉर्ड कर सकते हो यहाँ पे 1080p में 60 FPS तक नहीं बल्कि 240 FPS तक। और जो 240 FPS में आपका स्लो मो शूट होगा ना वो काफी स्मूथ होगा, तो देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। उसके बाद गाइस आपको देखने को मिल जाता है टाइम लैप्स मोड। गाइस यहाँ पे टाइम लैप्स मोड में आपको एक यूजफुल फीचर देखने को मिल जाता है इंटरवल का। तो अगर आप उस इंटरवल को सेट करके रख सकते हो, अगर आप उस इंटरवल को सेट करके रखते हो तो उस स्पेसिफिक इंटरवल तक ही आपका टाइम लैप्स रिकॉर्ड होगा, उसके बाद जो है वीडियोग्राफी शूट होना बंद हो जाएगी। तो ये फीचर भी आपको काफी ज्यादा काम आएगा। गाइस ऊपर जो आपको डायल देखने को मिल जाता है, उस डायल में भी आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, काफी सारे शूटिंग मोड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटो शूटिंग मोड देखने को मिल जाता है जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हो, प्रोग्राम शूटिंग मोड देखने को मिल जाता है, मैनुअल शूटिंग मोड देखने को मिल जाता है, और कस्टम 1 कस्टम 2 शूटिंग मोड देखने को मिलता है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट शूटिंग मोड है इन्हें आप अपने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोग्राफी के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, कब आपको कौन सा मोड यूज करना है, कौन सी सेटिंग यूज करना है, वो आप इन मोड में सेट करके रख सकते हो। उसके बाद गाइस आपको ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है भाई, इस सेटिंग में आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको अपना कितने मेगापिक्सल के कैमरे से वीडियो शूट करना है। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट कैमरा होता है, डिफरेंट डिफरेंट कैमरा डिफरेंट डिफरेंट मेगापिक्सल के होते हैं, तो कौन से कैमरा से आपको वीडियो शूट करना है, ये वाले वो आप खुद से यहाँ पे चूज कर सकते हो। फिर आपको ना एक लेवल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये लेवल का ऑप्शन आपको गाइड करता है कि आपकी जो वीडियोग्राफी की लेवल है वो सही है या सही नहीं है। आड़ा तेड़ा फोन होगा तो आपको बता देगा। लेवल में आपको 2 लेवल का एडवांस मोड भी देखने को मिल जाता है, तो आपको एक एक डिग्री बताएगा भाई फोन टेढ़ा है, इतना डिग्री टेढ़ा है, तो वो सब भी है। ग्रिड व्यू का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिर वीडियोग्राफी करते वक्त आपको साउंड को लेना है या साउंड को नहीं लेना है, वो भी ऑप्शन है भाई। इस कैमरा एप्लीकेशन को ढेर सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, बताते बताते मैं खुद थक जाऊंगा। फिर गाइस उसके बाद ना आपको यहाँ पे फोकस को भी मैन्युअली एडजस्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑटो फोकस का ऑप्शन भी है, मैनुअल फोकस का ऑप्शन भी है यहाँ पे, तो फोकस को भी आप लोग मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो वीडियो में कितना ब्लर चाहिए, कितना ब्लर नहीं चाहिए, वो भी एडजस्ट कर सकते हो भाई। और भी बहुत कुछ अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलो सेकेंड कैमरा ऐप पे बढ़ते हैं। सेकेंड कैमरा एप्लीकेशन जो है वो आपको फोटोग्राफी में काफी ज्यादा काम आने वाला है। कई काफी टाइम ऐसा होता है ना, हम लोग किसी की भी फोटो क्लिक करते बट कभी कभी फोन हल्का सा शेक हो जाता है या उस पर जो है फोकस नहीं रहता है, तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं माइक्रो फोटोग्राफी में भी हमें ये कन्फ्यूजन काफी ज्यादा होती है। तो गाइस यहाँ पे ना आपको कैमरा ऐप में बिल्ट इन मैग्नीफायर वाला फीचर देखने को मिल जाता है। अभी जिस पे भी आपको कंफर्म करना है इस पे फोकस है या नहीं है, बस कैमरा पे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करो, वहां पर जाके वो स्पेसिफिक पार्ट जो है जूम हो जाएगा, आपको एकदम पता होगा भाई हाँ इस पे फोकस है और आप आराम से फोटो को खींच सकते हो, और ये आपकी फोटोग्राफी में काफी ज्यादा काम आएगा। इसमें भी बहुत सारे फीचर है, बढ़ करके बड़ी नहीं बनाऊंगा वीडियो को। ये जो थर्ड कैमरा ऐप है वो ब्लॉगर के लिए काफी ज्यादा काम आने वाला है। ये आपके स्मार्टफोन में गिम्बल के फीचर को एनेबल कर देता है। मतलब आपके फोन को कितना भी शेक शेक करके वीडियो बनाओगे ना, इससे हिला दोगे फिर भी भाई ये ना स्टेबिलाइज करेगा उस वीडियो को आपका जायरोस्कोप यूज करके, और आपको एक काफी प्रोफेशनल आउटपुट ला के देगा। अब मैंने तो वीडियो में काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दी, मतलब इतना उसे हिला दिया, बट जो आउटपुट रहेगा ना वो काफी ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो आप ऐसे अच्छे से वीडियो शूट करोगे, थोड़ा इधर उधर हो गया तो वो भी काफी प्रोफेशनल आउटपुट ला के देगा आपको ये वाला कैमरा एप्लीकेशन। यहाँ पे जो फोर्थ कैमरा एप्लीकेशन है ना, उसे देख के मुझे जाकिर भाई का एक डायलॉग याद आ गया, बादल इंपॉर्टेंट है भाई। तो लिटरली इस कैमरा एप्लीकेशन के लिए बादल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कैमरा एप्लीकेशन है ना गाइस,
आपके लाइव फोटोग्राफी में आपके बादल को जो है रिप्लेस कर सकता है। मतलब यहाँ पे वो काफी सारे क्लाउड वाले ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें से आपको जो भी क्लाउड वाला इफेक्ट पसंद आएगा आप लोग उस इफेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो और आपकी मस्त सी फोटो क्लिक कर सकते हो। दिन में रात के चांद तारे ला सकते हो और रातें रंगीन कर सकते हो इस कैमरा एप्लीकेशन से। बट इसे आप लोग सिर्फ फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हो, वीडियोग्राफी में नहीं यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारा यहाँ पे आपको ना एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो वो भी आप लोग अपने हिसाब से चेकआउट कर लेना। तो गाइस यहाँ पे जो फिफ्थ कैमरा एप्लीकेशन है वो भी आपको वीडियोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। अगर आप लोग ना एक DSLR जैसा ऐप यूज़ करना चाहते हो, मतलब मैं तो बोलूँगा ये DSLR से काफ़ी ज़्यादा एडवांस एप्लीकेशन है जिसमें आपको काफ़ी सारे कंट्रोल वाले फीचर देखने को मिल जाते हैं, तो आप एक एक छोटी छोटी चीज़ें अपनी वीडियोग्राफी शूटिंग करते समय कंट्रोल कर सकते हो। चलो मैं आपको इसके सारे के सारे फीचर बता देता हूँ, और अभी भी थोड़ी वीडियो बड़ी होगी तो भाई देखना अगर अच्छा कैमरा ऐप चाहिए तो आपको। तो जैसे गाइस इस ऐप को आप लोग ओपन करते हो ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे कलर पैलेट देखने को मिल जाता है। उस कलर पैलेट में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिल जाते हैं कि आपको वीडियोग्राफी में कौन से कलर को ज़्यादा हाईलाइट करना है, कौन से कलर को कैप्चर करना है, वो आप लोग सेटिंग यहाँ से छेड़छाड़ कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे ना आपको साइड में दो साइड में फोकस रिंग देखने को मिल जाती है, और पहली जो रिंग है वो तो भाई पूरी फोकस रिंग है, और उसी रिंग से ना आप आपकी वीडियो में जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे जो दूसरी रिंग है वो है यहाँ पे ब्राइटनेस, एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने की रेंज है। और यहाँ पे भी आपको और काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल करने का फीचर देखने को मिल जाता है। साइड में गाइस जब भी आप लोग बोलते हो तो वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है, और वो वॉल्यूम का भी आपको यहाँ पे एक बार देखने को मिल जाता है। उसके बाद गाइस अगर मैं बात करूँ तो अगर आप सेटिंग पर टैप करते हो, सेटिंग में आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। अगर आप चाहते हो रेजोल्यूशन में, यहाँ पे आप आपकी वीडियो को सिनेमैटिक मोड में शूट कर सकते हो, 3K 4K 2K हर क्वालिटी में शूट कर सकते हो, फ्रेम रेट्स, ऑडियो, वीडियो, मतलब इतना भर भर के फीचर दिया ना इस कैमरा ऐप ने। और मतलब ऐसे ना थर्मल डिटेक्शन वाला भी फीचर है कि कहाँ धूप है कहाँ छाव है, ऊपर की तरफ जो फीचर्स वो सारे ये वाले फीचर्स है। इतने एडवांस फीचर्स के बारे में मुझे नहीं पता भाई, इसकी पढ़ाई तो मैंने खुद ने नहीं करी है। तो ये भी काफ़ी प्रोफेशनल कैमरा एप्लीकेशन है, फर्स्ट वाले कैमरा एप्लीकेशन से तो ये वाला एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो ये भी आपकी वीडियोग्राफी को ना काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लेके जा सकता है। अब यही थे 5 कैमरा एप्लीकेशन, और जो एक बोनस कैमरा एप्लीकेशन है चलो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। इस कैमरा एप्लीकेशन का नाम है फ्लिप कैमरा। ये ब्लॉगर के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। जब भी आप लोग ब्लॉगिंग करते हो ना तो एक दिक्कत आपको ज़रूर से आती होगी कि आप जब फ्रंट कैमरे से ब्लॉग करते हो तो साइमल्टेनियसली आप बैक कैमरा में स्विच करके ब्लॉग नहीं कर सकते। आपको पहले फ्रंट कैमरे से शूट करना पड़ता है, फिर वीडियो को कट करके फिर बैक कैमरे से शूट करना पड़ता है, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है गाइस। आप लोग इस कैमरा ऐप से काफ़ी आसानी से साइमल्टेनियसली दोनों कैमरा में स्विच कर सकते हो। बस वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन कर दो, जब फ्रंट कैमरा चाहिए फ्रंट कैमरे पे स्विच कर दो, जब बैक कैमरा चाहिए बैक कैमरे पे स्विच कर दो। आउटपुट भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आता है गाइस। सो गाइस यही थे 5 कैमरा ऐप और एक बोनस कैमरा ऐप। इस वीडियो को बनाने का मैं आज से 1.5 साल पहले से सोच रहा था, बट कभी मैं इस टॉपिक को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। बट ये 10-day 10-video चैलेंज में ये चीज़ भी पॉसिबल हो पाई, और एक ना अंदर से गट फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग कि ये वीडियो वायरल हो सकती है और इस वीडियो पे लाइक 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस हो सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और वायरल करवा सकते हैं इस वीडियो को। बिहाइंड द सीन्स एंड अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह आके फॉलो कर सकते हो। मैं आपसे मिलूंगा इससे और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन दिस इज क्रिस एंड आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टाटा, मैं जा रहा है।